भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में रक्षाबंधन कब रहेगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, भद्राकाल का समय कब रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी और रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही विशेष माना जाता है। इस महापर्व का इंतजार सभी भाई बहन बहुत बेसब्री से करते हैं। ये महापर्व विशेष रूप से समस्त भाइयों बहनों और उनके रिश्तों को समर्पित है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने अपने भाइयों के दाहिने हाथ की कलाई में शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधती है और अपने भाई की अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास होने से 15 दिन की देरी से रक्षाबंधन का महापर्व आएगा। इस बार वर्ष 2023 में रक्षाबंधन मुहूर्त को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है। वर्ष 2023 में रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 30 अगस्त 2023 को ही मनाया जाएगा। वह इस दिन भद्राकाल रहेगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से होगा, जो कि 31 अगस्त की सुबह 7:06 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। वहीं पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा, यानी 30 अगस्त 2023 को सुबह पूर्णिमा तिथि के लगते ही 10:59 से भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, जो कि रात को 9:02 तक रहेगा। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि एक समय जब लंका के राजा रावण ने भद्रा काल में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी तो उसका परिणाम यह हुआ कि उसका परिवार व उसका वंश और उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। यह भद्रा काल में राखी बांधवाने का ही परिणाम या फल उसे मिला था, इसलिए कभी भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे घर परिवार की बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। राखी बांधने के समय में पंचक का कोई दोष नहीं माना जाएगा। 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और चतुर्दशी तिथि को कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। 31 अगस्त 2023 को गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि 1:52 रहेगी, जो कि त्रिमुहूर्त से भी कम है, अतः इस दिन राखी नहीं बांधना है। 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन भद्रा से मुक्त समय रात को 9:02 के बाद से 31 अगस्त के सूर्योदय यानी अगले दिन की सुबह 6:21 के पहले पहले आपको राखी बांधने का कार्य संपन्न करना चाहिए। यानी इस बार केवल और केवल रक्षाबंधन का महापर्व 30 अगस्त 2023 के दिन ही रहेगा। जब भी कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें शुभ मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में यदि कोई कार्य किया जाए तो उसकी शुभता में अधिक वृद्धि होगी। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जिसे भाई बहन के रिश्तों को अटूट बनाने के लिए वह कारगर सिद्ध होगा। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में 30 अगस्त 2023 की रात्रि 9:02 से लेकर के अगले दिन सुबह यानी 31 अगस्त के सूर्योदय 6:21 के पहले पहले आपको राखी बांधने का कार्य संपन्न करना चाहिए।
कभी भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी और दूसरा होता है फाल्गुनी, यानी यह दोनों कर्म भद्रा काल में वर्जित माने गए हैं। श्रावणी का अर्थ होता है राखी बांधना और फाल्गुनी का अर्थ होता है होली का दहन करना। ये दोनों ही कार्य भद्रा काल में कभी भी संपन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब ये कार्य भद्रा काल में किसी ने भी किए हैं तो उसका विनाश हुआ है, उसका सर्वनाश हुआ है। तो आप यदि अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं तो आप भद्रा काल को छोड़ करके रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व है, लेकिन उस दिन सुबह से लेकर के रात 9:05 तक भद्रा है, इसलिए इस दौरान आपको राखी नहीं बांधना है। यानी 30 अगस्त को सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि है, इसलिए उस समय राखी नहीं बांधना है। 10:59 से रात को 9:05 तक भद्रा रहेगी, इसलिए भद्रा काल में आपको बिल्कुल राखी नहीं बांधना है। और जैसे ही भद्रा समाप्त तो हो जाए, रात को 9 के बाद से आप राखी बांधना शुरू करें और पूरी रात राखी बांध सकते हैं। अगले दिन सुबह सूर्योदय के पहले पहले तक आप राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने की जो विधि होती है उसमें भाई और बहन दोनों उस दिन व्रत रखे, फलाहार करें, और राखी बांधने के लिए अपने भाई को एक चौकी पटिए के ऊपर या अच्छे शुद्ध पवित्र आसन के ऊपर बैठाएं। ध्यान रखें, जिस भाई की हम कलाई पर राखी बांध रहे हैं उसका मुंह या तो पूर्व या पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। प्रयास करें कि भाई बहन दोनों पूरब पश्चिम की तरफ मुंह करके यदि बैठेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और सबसे पहले भाई को तिलक लगाना है। तिलक लगाने के पश्चात उसकी दाहिने हाथ में एक नारियल आपको रखना चाहिए और उसके सीधे हाथ में राखी बांधे, उसके बाद उसको मिठाई खिलाएं। वैसे यदि आप चाहें तो एक सर्वोत्तम चीज भी इस दिन खिला सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में तो और अधिक प्रगाढ़ता आएगी, आप भाई बहनों का प्रेम बढ़ेगा। यदि आप एक दूसरे का प्रेम चाहते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, महालक्ष्मी एवं भगवान कुबेर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को थोड़ा सा माखन मिश्री राखी बांधते समय जरूर खिलाए। यानी एक चम्मच में थोड़ा सा मक्खन ले ले और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल ले वे, और माखन मिश्री अपने भाई को यदि राखी बांधते समय आप खिला देंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, दसों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपके घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। भाई बहन के संबंध इससे और अधिक मजबूत होंगे, दोनों में प्रेम बढ़ेगा और सदैव जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त आप करते रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।